ये प्रॉपर टाइम पे हुई और बारी हुई तो उसका असर ये कि उसका जो एकुमुलेशन ग्राउंड लेवल पे रहा वो अभी भी आप देख रहे हैं 6-7 इंच अभी भी मौजूद है। उसकी वजह से कोल्ड वेव की कंडीशन वो बढ़ गई और जो रात को ओपन स्काई क्लियर स्काई यानी कि विदाउट क्लाउड्स जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं, अगर क्लाउडी नाइट हो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। जैसे सब्जियों के ऊपर जो पॉलीथीन लगाते हैं ना तो उसे क्या होता है, एक गर्मी का एहसास होता है। उसी तरह अगर वो पॉलीथीन हटा जाए दिया जाए तो क्या हो जाता है, सारा जो ग्राउंड की हीट है वो लॉस हो जाती है अपर एटमॉस्फेयर में। सेम केस इस साल भी हुआ, ग्राउंड तो हीट तो कोई है नहीं, सारा जितनी भी सन रेज आती है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है स्काई में रेडिएशन। उससे क्या हो गया कि यहाँ का टेम्परेचर लगातार गिरता गया। क्लियर नाइट स्काई और दिन में थोड़ा जो ये फॉग रहती है, मिस्ट टाइप शैलो फॉग हम इसको बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो इस शैलो फॉग की वजह से सनरेज नहीं आती है नीचे, तो उल्टा क्या रात को जब क्लियर स्काई होता है तो पूरी रेडिएशन आउटगोइंग हो जाती है। उससे एक ही क्या बोलते हैं इसको कोल्ड वेव का एक लगातार उसका जमना हुआ -6, -7, -8, -9 तक यहाँ तक आज आ गया। तो ये इस साल का लोवेस्ट मिनिमम था -8.8 जो आज 1991 20 जनवरी के बाद देखा गया। उससे पहले 1991 में 20 जनवरी का टेम्परेचर जो था लोवेस्ट मिनिमम वो 11.8 था। तो ये कोल्ड वेव तो इंशाल्लाह आज एक फीबल WD एक कमज़ोर WD आ रहा है, लेकिन उस वजह से कि एक क्लाउडी हो जाएगा। क्लाउडी होने से क्या होगा कि आउटगोइंग रेडिएशन जो अब नहीं हो जाएगी उससे टेम्परेचर नाइट टेम्परेचर इंप्रूव हो जाएंगे इंशाल्लाह 4-5 डिग्रियाँ, तो उस वजह से हमको कल से राहत मिलेगी। डेफिनेटली 5 फरवरी तक मौसम नाइट टेम्परेचर 0 के आसपास ही रहेगा, 1-2 डिग्रियाँ नीचे वो नॉर्मल है यहाँ से। इंशाल्लाह ये कोल्ड वेव खत्म हो जाएगा 5 तक।